इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके सब्जी वाले पौधे हैं तो उनको कौन कौन से कीड़े खराब कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको मेरा प्लांट दिखाई दे रहा है ना, ये मिर्ची का पौधा है। मिर्ची के पौधे में देखिए अभी फ्लावर्स भी आ रहे हैं और मिर्ची भी उग रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के साथ अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन यही प्लांट जब मुरझा जाता है, जब इसमें काले काले कलर के कीड़े लग जाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे इसमें लगे हुए हैं, इनको मैंने क्लीन नहीं किया था आपको दिखाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़, ये तो यानी कि यहाँ पे ये प्लांट थोड़ा थोड़ा इन्फेक्टेड है कीड़ों से। ये काले कलर के जो कीड़े हैं क्या करते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से पूरे प्लांट को कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे इसको खाना शुरू कर देते हैं। इन कीड़ों को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए और काली मिर्च को पीस के पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू डाल दीजिए और फिर अपने प्लांट्स पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में ये कीड़े भग जाएंगे। आप ये फ्रिक्वेंटली मत करना, ऐसा मत करना कि जैसे आपने आज ये यूज़ किया पेस्टिसाइड और उसके बाद फिर आप अगले दिन भी यूज़ कर रहे हो, नहीं। अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो जो हमारा प्लांट है ना, प्लांट की जो सॉइल होती है वो उसका जो एसिडिक लेवल है वो चेंज हो जाता है, पीएच लेवल चेंज हो जाता है। जो हमारे प्लांट की सॉइल है वो एसिडिक होनी चाहिए, बट अगर हम बार बार पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो जो एसिडिक लेवल है वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, एक कीड़े होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरा गुड़हल का पौधा आपको दिखाई दे रहा है। अब इस गुड़हल के पौधे में देखिए छोटे छोटे से आपको ये दाने दाने जैसे कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इन कीड़ों को भगाने के लिए क्या करना होगा, नीम ऑयल ले लीजिए और नीम ऑयल में पानी में मिक्स करने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू भी मिक्स कर दीजिए और फिर उसको छिड़काव कीजिए। फिर 3 दिन के गैप के बाद फिर से वही काम कीजिए, आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन बाद आपके जो ये कीड़े हैं पौधों के ऊपर ये भाग जाएंगे। तीसरे कीड़ों के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है व्हाइट फ्लाइज। जो व्हाइट फ्लाइज होती हैं वो क्या करती हैं, एक पेड़ से आप उन्हें भगाओगे तो दूसरे पेड़ पे पहुंच जाती हैं और इनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एलोवेरा का सॉल्यूशन लीजिए, एलोवेरा जेल लीजिए, उसको पानी में अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। थोड़े ही दिन बाद आप क्या देखोगे कि जो कीड़े थे, जो व्हाइट फ्लाइज थी, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली भाग जाएंगी पौधे के ऊपर से। इन सॉल्यूशंस को जब भी आप बनाएं ना तो ध्यान रखिए सारे सॉल्यूशंस आपके डाइल्यूट होने चाहिए। अगर डाइल्यूट नहीं होंगे तो प्लांट पे अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर्दियों के मौसम में ना बहुत जल्दी जल्दी कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो सीजन है ये इंसेक्ट्स जो हमारे पेस्ट हैं इनके अटैक का ही सीजन है एक तरीके से, क्योंकि प्लांट चला जाता है डॉर्मेंसी में, रेस्टिंग मोड पे, तो प्लांट खुद से इन कीड़ों को नहीं भगा पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये इन सॉल्यूशंस का यूज करके आप अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।